इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा राजकीय कंप्यूटर लैब सहायकों की मांगे मान ली है। ये मांगे लैब सहायकों की मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ हुई बैठक के बाद मानी गई है। बैठक आज दोपहर बाद सीएम ऑफिस चंडीगढ़ में शुरू हुई थी। गौरतलब है कि हरियाणा राजकीय लैब सहायक संघ 25 जून से पंचकूला के शिक्षा सदन के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इनमें से करीब 9 लोगों को सेहत का स्तर गिरने के चलते पंचकूला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यही नहीं, 4 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश के दौरान उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। लैब सहायकों की 3 मांगे प्रमुख मांगे थी, जिनमें 26 महीनों से रुकी हुई इनकी तनख्वाह का भुगतान, निजीकरण को खत्म करना और न्यूनतम वेतन 15,000 किया जाना शामिल था, जिसे मुख्यमंत्री हुड्डा ने मान लिया है। मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ ये बैठक आज लैब सहायकों की चंडीगढ़ में हुई, जिसमें हुड्डा ने उनकी मांगों को मान लिया है। तो आपको बता दें, लैब सहायकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। सीएम हुड्डा ने लैब सहायकों की, कंप्यूटर लैब सहायकों की सारी मांगे मान ली हैं। मुख्यतः इनकी 3 मांगे थी, जिसमें प्रमुख मांग थी 26 महीनों से जो इनकी तनख्वाह रुकी हुई थी उसका भुगतान, इसके अलावा 15,000 न्यूनतम वेतन करना, ये प्रमुख मांगे थी जिन्हें सीएम हुड्डा ने मान लिया है। तो लैब सहायकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन, जिसको लेकर वो अनशन पर बैठे थे, जिसको लेकर वो संघर्ष कर रहे थे। प्रियंका नेगी जुड़ गई हैं हमारे साथ इस खबर पर, प्रियंका से जानते हैं। जी प्रियंका, लैब सहायकों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, सीएम हुड्डा ने तमाम मांगे मान ली है उनकी। जी बिल्कुल, आज लैब सहायक संघों के लिए बहुत बड़ी बात हो, उनके लिए काफी खुशी की बात है कि उनकी तीनों की तीनों मांगे हैं वो मान ली गई हैं। और जो 26 महीने की जो वेतन थी उसमें से 6 महीने का जो वेतन है वो उनके अकाउंट में डाल दिया गया है, बाकी के बचे जो उनके पैसे हैं वो 15 दिनों के अंदर उनको दे दी जाएगी। और निजीकरण जो सबसे बड़ा इनका मुद्दा था कि निजीकरण को खत्म किया जाए और सरकार के अधीन लिया जाए, उनको सरकार के अधीन बहुत जल्द लाया जाएगा। और जो निजी जो कंपनी थी जिनके अंदर वो थे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। और जो तीसरी उनकी जो मांग थी कि 15,000 रुपए जो न्यूनतम वेतन देनी चाहिए, ये मांग भी आज उन्होंने सीएम हुड्डा ने मान लिया। तो आज लैब सहायक संघों के लिए बहुत बड़ा दिन है जी। प्रियंका, जरा आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा कि जो ये मांगे मानी गई हैं सीएम हुड्डा के मुताबिक, ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगी या चुनाव के पश्चात? जी अभी तो फिलहाल जिस तरह से उन अध्यापकों से बात हुई है सीएम हुड्डा जी, तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, पर कंप्यूटर लैब सहायक संघों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके अकाउंट में अभी से ही पैसे डाल दिए गए हैं, डल चुके हैं, तो इस तरह से लग रहा है कि ये काफी जल्दी इन चीजों पे प्रभाव देखा जाएगा और जब बहुत जल्दी निजीकरण को समाप्त किया जाएगा और FIR जो दर्ज कराने की बात की है वो भी बहुत जल्द हो जाएगा और निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा जी। प्रियंका, सीएम हुड्डा क्या कहें, हरियाणा सरकार के इस मूव को आप किस तरह से लेती हैं, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर शिक्षक हैं वो भी अनशन पर बैठे हुए, कंप्यूटर लैब सहायक थे उनकी मांगे मान ली गई हैं, तो इस मांग के मान लेने के बाद क्या जो दूसरे लोग जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें उनके लिए भी एक उम्मीद है? जी बिल्कुल, हमारी कंप्यूटर शिक्षकों से भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने ये चीज कहा है कि अगर कंप्यूटर लैब सहायक संघ की यही बात जो निजीकरण को समाप्त करने की बात थी, उन्होंने कहा कि हमारी मांगे भी यही है तो हमारी मांगे भी बहुत जल्द माननी चाहिए। अभी तक फिलहाल कंप्यूटर शिक्षकों की जो निजीकरण समाप्त करने की जो सबसे बड़ी उनकी मांग थी वो अभी तक मानी नहीं गई है, जबकि कंप्यूटर सहायक संघ की मांग मानी गई है, तो उनको कहीं ना कहीं एक आशा जग गई है कि हो सकता है उनकी जो मांग है निजीकरण को समाप्त करने की उनकी तरफ से भी उनको भी एक जो आश्वासन है वो मिल जाए, उनको भी एक जो निजीकरण है वो खत्म कर दिया जाएगा, जो सरकार के अधीन लाया जाएगा, इनमें एक आशा जगी है इस मीटिंग के बाद जी। सीएम हुड्डा के आज के इस कदम को, जो ये मांगे मानी गई हैं, विधानसभा चुनाव के तौर पे देखती हैं आप, विधानसभा चुनाव में एज लेने के तौर पे? जी इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन टीचरों की मांगों को देखा जाए तो काफी पहले से इनकी मांगे थी, कई सालों से इनकी मांगे चल रही थी पर किसी ने कभी नहीं सुना। और इन्हीं सहायक संघों से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो पहले भी सीएम हुड्डा से मिले थे, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिले थे, पर उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अब जब ये चुनाव आ रहे हैं तो जिस तरह से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है तो लगता है कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर ही उनकी लोकप्रियता को फिर से वापस हासिल करने के लिए ये उनकी मांगे मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के कंप्यूटर लैब सहायकों की मांगे मान ली है। ये मांगे लैब सहायकों की मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ हुई बैठक के बाद मानी गई है। बैठक आज दोपहर बाद सीएम ऑफिस चंडीगढ़ में हुई थी। गौरतलब है कि हरियाणा राजकीय लैब सहायक संघ 25 जून से पंचकुला के शिक्षा सदन के बाहर, जो सेक्टर 5 में है, वहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे इनके कुछ लोग। इनमें से करीब 9 लोगों की सेहत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पंचकुला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यही नहीं,
4 जुलाई को लैब सहायक संघ ने सीएम के घर के का घेराव करने का ऐलान किया था। उस दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। इनकी जो 3 प्रमुख मांगे थी, 26 महीने से रुकी हुई तनख्वाह का भुगतान, निजीकरण को खत्म करना और न्यूनतम वेतन 15,000 करना, ये तीनों मांगे मान ली गई हैं। और 26 महीने से जो इनका वेतन रुका हुआ था उसमें से 6 महीने के वेतन को इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो अब तक की बड़ी खबर, और इस सरकार के कदम के बाद कंप्यूटर शिक्षक जो हड़ताल पर बैठे हैं उनके लिए भी एक आशा की किरण जगी है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।